नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां हमारे सामने खड़ी हुई है इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, आज हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट के बारे में। तो भाई लोगों, स्विफ्ट में आपको, वैसे तो मैं आपको इसकी बेस मॉडल की वीडियो पहले भी दिखा चुका हूँ। स्विफ्ट में आपको वैसे तीन वेरियंट देखने को मिलते हैं, LXi, VXi और ZXi। तो LXi मॉडल की वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं VXi मॉडल के बारे में, और ये मॉडल VXi का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है। और ऐसा क्या है इस मॉडल में, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो भाई आज हम सबसे पहले बात करेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं कि इसमें जो हेडलैम्प मिलने वाली है आपको, वो नॉर्मल ही मिलेगी, हेलोजन हेडलैम्प। आपको स्विफ्ट के VXi मॉडल में भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प कंपनी ने अभी तक ऑफर नहीं की है। हालांकि बलेनो वगैरह के बेस मॉडल में भी अब प्रोजेक्टर मिलने लगे हैं, स्विफ्ट में पता नहीं कब मिलने वाले हैं। इसमें आपको हेलोजन ही मिलते हैं, ऊपर की साइड में थोड़ी सी क्रोम की स्ट्रिप मिल जाती है और नीचे की साइड में आपको टर्न इंडिकेटर की यूनिट भी इसी में अटैच करके मिल जाती है। बाकी इनके फॉक्स वगैरह काफ़ी ठीक ठाक है। बाकी नीचे की साइड में बात करें फॉग लैंप की, तो फॉग लैंप आपको इस गाड़ी में VXi में अभी नहीं मिलते, वो आपको आफ्टर एसेसरीज ही लगवाने पड़ते हैं। आपको फॉग लैंप भी VXi मॉडल में नहीं मिलते। बात करें इसके फ्रंट ग्रिल के बारे में, तो फ्रंट ग्रिल पर आप देख सकते हैं क्रोम की स्ट्रिप देखने को मिलेगी, उसके ऊपर सुजुकी का लोगो मिल जाता है और पूरी स्ट्रिप, पूरी ही जो रेडिएटर ग्रिल है आपको ब्लैक फिनिशिंग में देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जो फ्रंट प्रोफाइल है आपको कुछ इस प्रकार की दिखती है, नॉर्मल ही है, इसमें कुछ ज़्यादा दिखाने लायक है नहीं। बात करें इसके साइड प्रोफाइल के बारे में, तो साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हैं जो टर्न इंडिकेटर की यूनिट है वो आपको ORVM पर दे दी गई है इस वाले मॉडल में। बाकी LXi में तो आपको फेंडर पर ही मिलती है, तो ORVM पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है और ORVM और डोर हैंडल आपको बॉडी कलर्ड मिल जाते हैं। बात करें इसके टायर के बारे में, तो टायर आपको इसमें मिल जाता है 14 इंच का, वो भी स्टील रिम के साथ। हालाँकि इसमें आपको व्हील कवर कंपनी इसमें ऑफर कर देती है, तो भाई ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी अलॉय व्हील वगैरह आपको इसमें नहीं मिलता है। और बात करें वहीं टायर के प्रोफाइल के बारे में, 165/80R14 के इसमें आपको टायर मिल जाते हैं। वैसे टायर अपग्रेड करने की भी ज़रूरत है थोड़ा सा, 15 इंच के टायर तो कम से कम होने ही चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, चलो स्विफ्ट में यही टायर शुरू से आ रहे हैं। बात करते हैं इसके ए पिलर और बी पिलर की, तो वो आपको रब ब्लैक फिनिश में ही मिलते हैं, ना कि बॉडी कलर्ड। और जो कि इसका सी पिलर है उस पर आपको डोर हैंडल ऑफर किया गया है और इसके पीछे भी आपको ब्लैक गार्निशिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि इसके लुक को थोड़ा सा स्पोर्टी बनाने में हेल्प करती है। और बात करें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो भाई इसमें आपको 37 लीटर का पेट्रोल टैंक ऑफर किया गया है। बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में, तो रियर प्रोफाइल में बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके विंडशील्ड के बारे में। तो विंडशील्ड आपको रियर वाली जो नॉर्मल ही मिलेगी, इस पर आपको कोई भी रियर वाइपर, डिफॉगर, वॉशर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। और इसकी जो टेल लैंप है वो आपको फुली LED मिलेगी और इसमें आपको DRL भी मिल जाता है सी टाइप का। और जो पीछे जो इसकी ब्रेकिंग लाइट है वो भी आपको LED मिलने वाली है, और बैक लाइट और इंडिकेटर लाइट आपको हेलोजन में मिलने वाली है। और आपको यहाँ पर स्विफ्ट की बैजिंग मिल जाती है, बूट पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। हालांकि इसके वेरिएंट की कोई भी बैजिंग आपको देखने को नहीं मिलती। बाकी आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और नीचे की साइड में जो ड्यूल एग्जॉस्ट सिस्टम का टाइप का कुछ लगा हुआ है ना, ये इसका एसेसरीज का पार्ट है और इसका कोई भी काम नहीं है, ये खाली इसके लुक को इन्हेंस करने के लिए अलग से लगाया गया। और इसकी कीमत मात्र 1200 रुपये दोस्तों। तो 1200 रुपये में आपने अपनी गाड़ी का कुछ ऐसा लुक इन्हेंस कर सकते हैं आफ्टर एसेसरीज। तो भाई इसके लुक को आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसको लगाने के बाद ये कैसा लग रहा है, और अगर अच्छा लगेगा तो हम अपने बलेनो में भी हो सकता है इसको लगवा लें। आप कमेंट करके बताना कि लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो भाई ओवरऑल एक्सटीरियर लुक मैंने आपको इस गाड़ी का दिखा दिया है। अब इसमें आपको पीछे बूट पर एक हाई माउंट स्टॉप लैंप भी मिल जाता है और नॉर्मल एंटीना मिलता है, शार्क फिन एंटीना आपको इसमें नहीं मिलता है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, और उससे पहले मैं आपको इसकी की के बारे में बता दूँ, इसमें आपको कैसी चाबी मिलती है। तो भाई इसमें आपको जो मारुति सुजुकी की सभी गाड़ियों में जो चाबी मिलती है उसी टाइप की आपको इसमें चाबी मिलती है। अभी इस पर कवर चढ़ा हुआ है जिसकी वजह से ये थोड़ी सी अलग लग रही है, बाकी इसमें वही चाबी है जो नॉर्मल मिलती है। तो अभी इसका डोर को खोलते हैं, तो भाई डोर खोल के आप देख सकते हैं जो स्विफ्ट में आपको जो इंटीरियर है वो आपको ऑल ब्लैक मिलेगा, इसमें कोई भी आपको ड्यूल टोन इंटीरियर नहीं मिलने वाला, ऑल ब्लैक की फिनिशिंग आपको मिलने वाली है। इसमें आपको ऑल 4 पावर विंडो मिल जाती है, और जो इसका मिरर है वो आपको पावर एडजस्ट तो आप उसको कर सकते हैं बट आप उसका फोल्ड नहीं कर सकते। बाकी इसमें आपको डोर लॉक अनलॉक करने का स्विच मिल जाता है, मिरर लॉक करने का स्विच मिल जाता है, और नीचे की साइड में आपको एक डॉक्यूमेंट रखने का स्पेस मिल जाएगा, बोतल होल्डर मिल जाता है, और 2 स्पीकर की प्लेसमेंट आपको इसमें मिल जाती है, दोनों फ्रंट के स्पीकर आपको इसमें मिल जाते हैं। बाकी जो क्रोम गार्निश के साथ आपको इसका डोर हैंडल मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल के साथ पास में आपको फैब्रिक की
फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि ब्लैक में ही है, ये दूर से देखने में पता नहीं चलता, बट ये फैब्रिक फिनिशिंग है। बात करते हैं इसके सीट के बारे में। तो भाई सीट इसमें ज़बरदस्त दी गई है, एडजस्टेबल हेड रेस्ट के साथ दी गई है, इनकी कुशनिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया, और इनको आप हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं मैनुअली, बाकी रिक्लाइनर वगैरह पर तो आप इनको एडजस्ट कर ही सकते हैं हाइट के साथ साथ। तो भाई सीट वगैरह तो बहुत ही अच्छी है इसकी, और इसीलिए शायद ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बिकती है। और नीचे की साइड में आपको पेट्रोल टैंक खोलने की टिप दी गई है, यहाँ से आप पेट्रोल के टैंक को ओपन कर सकते हैं। और बात करें अब इंटीरियर के बारे में, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको इसका आइडियल स्विच ऑफ का बटन मिल जाता है, और हेडलाइट लेवल करने का स्विच भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। बात करें साइड वाले एसी वेंट की, तो ये आपको नॉर्मल शेप में मिलता है, इस पर कोई भी सिल्वर की फिनिशिंग नहीं मिलती। बात करें इसके स्टीयरिंग के बारे में, तो स्टीयरिंग आपको डी कट टाइप का मिलता है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग, और इस पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, और सेंटर में सुजुकी का लोगो है जिसके चारों तरफ क्रोम की फिनिशिंग दी गई है, और नीचे की साइड में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल कट करने के स्विच भी आपको नीचे की साइड में मिल जाते हैं यहाँ पर। और अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर, और भाई अंदर चलने से पहले मैं आपको इसके रियर में लेके चलता हूँ, मैं इसका बूट स्पेस दिखाना आपको भूल गया था। तो बूट को खोलने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, और ग्रैब हैंडल दिया गया है बूट को क्लोज करने के लिए, पार्सल ट्रे ऑफर कर दी गई है इसमें आपको, और एक साइड में आपको 3 किलो के वेट तक का हुक दिया गया है। और बात करें बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस आपको ठीक ठाक 268 लीटर का दिया गया है, और नीचे की साइड में आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है जो कि 14 इंच का ही है, ये भी आपको स्टील रिम में ही ऑफर किया गया है, बाकी बूट स्पेस ठीक ठाक है। वहीं बलेनो की बात करें बूट स्पेस की, तो उसमें आपको 319-320 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, बट इसमें आपको 268 लीटर का ही मिलता है, पार्सल ट्रे इसमें भी मिल जाती है। अब चलते हैं इसको बंद करके अंदर चलते हैं। तो भाई आ गए गाड़ी के अंदर, और अब इसका इग्निशन ऑन करता हूँ पहले, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। और भाई स्टीयरिंग सीधी हो जा, ये खड़ी हुई स्टीयरिंग भाई जल्दी से सीधी नहीं होती, आप देख सकते हैं सारी वार्निंग लाइट्स वगैरह आपको इसके टैकोमीटर में देखने को मिलेगी, और हैंड ब्रेक वगैरह की लाइट आपको MID के ऊपर देखने को मिलेगी। बाकी इसमें आपको 8000 RPM तक का टैकोमीटर मिल जाता है, और 220 स्पीड का आपको इसमें स्पीडोमीटर मिल जाता है, और बीच में आपको एक MID मिल जाती है जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर सबसे ऊपर टाइम दिया गया है, नीचे की साइड में अभी एवरेज दिखा रहा है, और 3365 किलोमीटर की गाड़ी चल चुकी है, ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह दिखा रहा है, और उसके नीचे आपको फ्यूल गैस का मीटर देख सकते हैं। तो भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको MID में मिल जाती है, और इसके चारों तरफ आपको टैकोमीटर और स्पीडोमीटर में राउंड शेप दिया गया है जो कि सिल्वर की फिनिशिंग के साथ दिया गया है, और यहाँ दोनों साइड में आपको इंडिकेटर और लाइट के स्विच मिल जाते हैं। बात करें इसके एसी वेंट्स की सेंटर वाले, तो वो आपको राउंड शेप में ऑफर किए गए हैं, बाकी डैशबोर्ड की क्वालिटी वगैरह काफ़ी ठीक है, और यहाँ 1000 लैम्प का स्विच आपको यहाँ पर मिलता है, और नीचे की साइड में एक सिल्वर की पट्टी देखने को मिलेगी जो कि इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रही है। और भाई डैशबोर्ड का क्वालिटी वगैरह काफ़ी ठीक ठाक है। बात करें ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा नहीं दिया गया है, ठीक ठाक है, थोड़ा सा डीप है, बाकी वाइड की बात करें तो थोड़ा सा कम वाइड है, बट ठीक है, चल जाता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। बात करें इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इसमें आपको सिंगल डिन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जिसमें आपको थोड़ा सा कलर चेंजिंग लाइटें ऑफर की गई हैं, बाकी इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। और बात करें इसके AC की, तो आपको इसमें मैनुअल AC वेंट्स ऑफर किए गए हैं, ना कि ऑटोमेटिक बलेनो की तरह। अब तो इसमें आपको VXI मॉडल में तो कम से कम ऑटोमेटिक AC दे देनी चाहिए। नीचे की साइड थोड़ा सा स्पेस है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं आपको इसमें। वहीं बात करें इसके गियरबॉक्स की, तो इसके चारों तरफ आपको सिल्वर की फिनिशिंग मिलती है, और 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, और हैंड ब्रेक के नीचे भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है कोई कॉइन वगैरह रखने के लिए, और इस पर आपको क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है हैंड ब्रेक पर, और पीछे की साइड भी आपको एक कप होल्डर मिल जाता है, और रियर में आपको AC वेंट से या कोई भी चार्जिंग सॉकेट वगैरह नहीं मिलता है। बाकी पैसेंजर डोर वगैरह पर भी आपको नॉर्मल पावर विंडो के सॉकेट मिलते हैं, ग्रैब हैंडल वगैरह मिल जाते हैं, बाकी तो और कुछ नहीं है। ऊपर की साइड में आपको एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। बात करें सनशेड की, तो आपको को पैसेंजर वाले सनशेड पर आपको एमिनिटी मिरर ऑफर की गई है, और रूम लाइट वगैरह आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ के स्पीकर दिए गए हैं, जैसे आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट है तो जो आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको उसके माइक दिया गया है। और रूम लैम्प की बात करें तो आपको इसमें LED रूम लैम्प मिल जाती है, और IRVM की बात करें तो ये आपको एडजस्टेबल IRVM मिल जाता है डे और नाइट वाला, ये ऑटोमेटिक तो नहीं है बट मैनुअल है। और ड्राइवर साइड वाले सनसेट पर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, ना कि वैनिटी मिरर वगैरह आपको नहीं मिलता है। तो भाई ओवरऑल जो इसके फ्रंट लुक है इंटीरियर का, वो कुछ इस प्रकार से है। रियर की बात करें तो रियर में भी आपको कोई बहुत ज़्यादा स्पेस वगैरह नहीं मिलता है, और हेडरेस्ट जो आपको फिक्स मिलते हैं, ना कि एडजस्टेबल। और भाई टाइम की कमी की वजह से मैं आपको पीछे तो जाके नहीं दिखा पाऊंगा, बाकी फिनिशिंग वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेंटर में कोई भी AC वगैरह नहीं दी गई है, मैंने आपको दिखाया था। बाकी सीट पर आपको पॉकेट होल्डर मिल जाता है रियर वाली सीट, फ्रंट की सीट के बैक साइड में पॉकेट मिल जाती है। बाकी
रियर में भी आपको पावर विंडो वगैरह मिल जाती है और पीछे की साइड में आपको कोई भी रूम लाइट वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो ये हुई इसके इंटीरियर की बात। और इंजन की बात मैं आपको बताऊं तो इंजन आपको इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है। पावर वगैरह के बारे में बात करें तो वो मैं आपको अभी बता दूंगा बाहर निकलने के बाद। तो भाई गाड़ी के बाहर आ गए, तो अब मैं आपको इसका मैंने बता दिया कि इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है 4 सिलेंडर का। तो पावर की बात करें तो इसमें ये गाड़ी जो जनरेट करती है वो 88 BHP की पावर जनरेट करती है, वहीं 113 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। तो इस पावर के साथ इस गाड़ी की माइलेज की बात करें तो भाई लोकल में ये गाड़ी 17 से 18 का एवरेज दे देती है, वहीं हाईवे पे 20 21 22 तक का भी ये माइलेज निकाल देती है। तो माइलेज वगैरह में काफ़ी बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइस के बारे में। तो भाई ऑन रोड ये गाड़ी आपको 7,80,000 रुपये के ऑन रोड प्राइस पर ये पड़ने वाली है। तो भाई ये हुई स्विफ्ट की कंप्लीट डिटेल। आपको ये गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।